मैम आपका ऑर्डर एंड आपका बिल हुआ 1000 रुपीज। एक सेकेंड सर, आपका ऑर्डर आपके 200 रुपये हो गए। एक सेकेंड, ये लीजिए। और शुक्रिया भैया। एक मिनट, उनसे 200 और मुझसे 1000 क्यों? उन्होंने भी तो सेम डिश ऑर्डर करी थी ना जो मैंने ऑर्डर करी थी। एक्चुअली मैम हमारे ओनर ने कहा था इसलिए उनको इतना ही चार्ज किया गया। अरे फिर भी ऐसे थोड़ी होता है, वो भी कस्टमर है, मैं भी कस्टमर हूँ। अगर उन्हें 200 का दिया ना तो मुझे भी 200 का ही दो, ऐसे भेदभाव नहीं चलेगा। यस मैम आप भी कस्टमर हैं, बट सर ने सिर्फ उनको 200 रुपये चार्ज करने के लिए बोला था एंड आपके तो 1000 रुपये ही होंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो अपने ओनर को बुलाओ, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अरे मैम सर को क्यों? मैंने कहा ना ओनर को बुलाओ। अजीब रेस्टोरेंट है। यस मैम यू कॉल्ड मी, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल है। आप लोगों के रेस्टोरेंट में हर कस्टमर को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है क्या? अभी मेरे सामने एक कस्टमर ने सेम डिश ऑर्डर करी जो मैंने ऑर्डर करी, पर उन्हें 200 की और मुझे 1000 रुपीज़ की, ऐसा क्यों? मैं जान सकती हूँ आप लोग ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैम वो जो टी शर्ट में आए थे जी वही कस्टमर? हाँ मैडम वो मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि उनसे 200 रुपये चार्ज करें। जी वो मुझे आपका स्टाफ बता चुका है ऑलरेडी, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर उनसे 200 चार्ज कर रहे हैं तो मुझसे भी 200 चार्ज करो, मैं नहीं दूंगी 1000। एक्चुअली मैडम वो बात ये थी कि भैया देख लीजिए अगर कुछ मिल जाए, मेरे पे सिर्फ 200 रुपये हैं। सर मैंने आपको बोला तो 200 रुपये से कोई डिश स्टार्टिंग नहीं होती हमारे यहाँ, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अतुल क्या हो रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना इसको ऑर्डर करना है और इसके पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ 200 रुपये है। अब हमारे यहाँ पे 200 रुपये तो कोई डिश स्टार्ट ही नहीं होती है। अच्छा मेरी मजबूरी है, वो क्या है आज मेरी माँ का जन्मदिन है, मैंने उन्हें कहा है कि मैं एक अच्छे होटल से उन्हें खाना खिलाऊंगा, कुछ भी मिल जाए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं आप हाथ मत जोड़िए, आप एक काम करिए अंदर बैठिए और आराम से ऑर्डर करिए, जो भी आपको ऑर्डर करना है आपका बिल 200 ही आएगा। ठीक है शुक्रिया साहब, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। अतुल इनका ऑर्डर लो और इनका बिल 200 ही करना। ठीक है जी सर। आइए सर। अब मैडम वो काफ़ी मजबूर थे पैसों को लेके, उन्हें ऑर्डर करना था, उनके पास बस 200 रुपये ही थे। अब मुझे पता है मजबूरी क्या होती है, खासकर पैसों की, जब हमें कुछ खरीदना हो, कुछ ऑर्डर करना हो पर हमारे पास पूरे पैसे ना हो। मैंने भी कुछ इस तरह का वक्त सहा एक टाइम पे, मुझे पता है बहुत तकलीफ़ होती है जब कुछ चाहिए हो आपको पर आपके पास पूरे पैसे ना हो। सो जैसे ही मुझे मालूम चला कि उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के, ऑर्डर करने के, मजबूर हैं वो, तो जो मुझे सही लगा मैंने वो किया और उनसे बोल दिया कि उनसे बस 200 रुपये लिए जाएंगे, इसलिए आपसे कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बस उनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात थी जी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप भी बस 200 रुपीज़ पे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं वो मुझे बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि आप लोग अपने कस्टमर के साथ भेदभाव करते हो, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। और मुझे जान के अच्छा लगा कि आप लोग जैसे इंसान भी हैं आज की दुनिया में जो मजबूर लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। एंड डोंट वरी मेरे को 1000 रुपीज़ पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पे कर देती हूँ। ओके मैम थैंक यू। ये लीजिए। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू मैम।